सुनने में आया है तू लंदन में रहती है, अभी के अभी जाके पहली टिकट कटा रहा हूँ। ऑलराइट, सो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने वीडियो प्ले किया, जैसा कि अभी आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, ये वीडियो जो अभी काफी ज्यादा टिकटॉक पे वायरल हो रहा है, मेरे को दो वीडियो स्क्रॉल करने पर जो है वो ऐसी ही वीडियो दिख रही है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका ट्यूटोरियल, सबसे आसान तरीके से आप ऐसी वीडियो कैसे बना सकते हो अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन से, और इस पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज कैसे ला सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स कैसे ला सकते हो, अपनी वीडियो को वायरल कैसे कर सकते हो इस वाली वीडियो को, तो इसके बारे में बताऊंगा। वीडियो बना लेना, इट्स नॉट अ बिग डील, उस पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज ले आना, अभी दोस्तों आप लोगों को फायदा होगा, जिसके लिए आप लोग वीडियो बनाते भी हो। तो गाइस, वीडियो काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, आपका एक लाइक आपके भाई को यहां पर बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। तो गाइस, सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ, उससे पहले आप अपने भाई का नाम जान लो, मेरा नाम आसिफ और आप देख रहे हैं निट मैकेनिक्स यूट्यूब चैनल। चैनल पर हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन कर लेना, और बगल में एक ऑल का ऑप्शन होता है उसको जरूर से सिलेक्ट कर लेना। मेरे साथ अभी नोटिफिकेशन का बहुत ही बड़ा पंगा चल रहा है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने ऑल पे क्लिक नहीं किया नोटिफिकेशन बेल पे दबाने के बाद, तो प्लीज यार ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। तो लेके चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, आपको सबसे आसान तरीके से बताता हूं कि आप कैसे ऐसी वीडियो बना सकते हो। ऑलराइट, तो हम लोग आ चुके अपने मोबाइल स्क्रीन पे, तो आपको ऐसी वीडियो बनाने के लिए सिंपली आपको एक सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है पावर डायरेक्टर, और अगर आपको इसको डाउनलोड करना है इसके मोर डीपीके को, तो मेरे इंस्टाग्राम के बायो में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, एंड हो सके तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, मैं बायो में लिंक जो है वो इसका प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है और आपको 9:16 वाले रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो है वो एक फुटेज का लिंक दिया होगा, आपको उस फुटेज को सिंपली डाउनलोड कर लेना है। तो ये रहा वो फुटेज, उस फुटेज को मैं यहां पर ले आता हूं, तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कि ये फुटेज आ चुका है, जो कि काफी ज्यादा जो है वो ऑसम सा लगता है देखने में। तो यहां पर जो है वो सबसे पहले ये भाई जो वीडियो बनाया, इसकी वीडियो को अपने को काट के निकालना है, तो फटाफट से इसकी वीडियो को यहां से काट के निकाल देते हैं और इसकी जगह पर अपनी वीडियो को लगाएंगे। तो आपको सिंपली देखना है कि यहां पर जो है वो सुनने में आया, यहां पर जो बोल रहा है, उसके बाद यहां पर जो है वो आपको वीडियो को रोक देना है यहां पर, और आपको यहां पर कैची वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ये जो हिस्सा है वीडियो का इसको आपको ऐसे ही रह देना है। उसके बाद आपको आगे की तरफ बढ़ना है, और यहां पर देख रहे हो कि फिर से ये बंदा आ रहा है, यहां पर आपको फिर से जो है वो वीडियो को रोकना है, और रोकने के बाद आपको फिर से कट लगाना है, और फिर यहां पर जो है वो फिर यहां पर आया ये बंदा, उसके बाद आपको जो है वो 3 पॉइंट यहाँ पे आपको 4 सेकंड पे रोक देना है। उसके बाद फिर से आपको ऐसे कट लगाना है, कट लगाने के बाद आपको इस तरफ चले आना है, इस तरफ चले आने के बाद आपको यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन होगा, मीडिया पे क्लिक करना है, और आपको अपनी वाली वीडियो ले आना है जो आपको अपने जो है टिकटॉक से शूट कर लेना है, और इसको आपको प्राइवेट में पोस्ट करके जो है वो सेव कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सेव करके रखा हुआ हूँ, तो मैं फटाफट से इसको जो है वो यहाँ पर ले आता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर इस वीडियो को यहाँ पर जो है वो मैं डिलीट करूँगा, इस भाई की ये वाला फुटेज और यहाँ पर ये वाला फुटेज जो कि मैंने निकाल लिया है, ये वाला फुटेज को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं ये वाला फुटेज को यहाँ पे ले आता हूँ। तो यहाँ तक जो मैंने सुनने में आया है तक शूट किया हो, तो यहाँ पे मैं कट लगाऊंगा, और कट लगाने के बाद इसको ऐसे क्लिक करना है आपको इसके इस वाले वीडियो पर जो आपने कट किया है, और आपको इस तरफ ड्रैग करना है, ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पर ला के छोड़ देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर लंदन में रहती है, उसके बाद यहाँ पर आपको अभी के अभी वाला भी पार्ट शूट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर शूट करा हुआ है, तो मैं यहाँ पे ले आता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर जो है वो आपको एक कट लगाना है, और कट लगाने के बाद आपको ये वाला हिस्सा भी जो है यहाँ से डिलीट कर देना है बेकार का। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ पे लाके इसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद यहाँ पर आपका वीडियो जो बन के रेडी हो चुका है, देख पा रहे हो बन के रेडी हो चुका है। लेकिन अभी आपको यहाँ पर एक काम और करना है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस लेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको पेंसिल वाले आइकन पे जाना है, इसके वॉल्यूम को आपको यहाँ से बंद कर देना है। उसके बाद आपको इस पे जाना है, आपको इसके भी वॉल्यूम को यहाँ से बंद कर देना है। उसके बाद आपको ये वाले लेयर पे जाना है, आपको सारे के वॉल्यूम को जो है यहाँ पर से म्यूट कर देना है, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर चले जाना है लास्ट में लेयर में, जो आपको यहाँ पर इसका जो लास्ट में इसका जो वाटरमार्क आ रहा है इसको यहाँ से आपको जो वो डिलीट करना है। तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, यहाँ तक रखता हूँ, उसके बाद यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है कि मीडिया पे जाना है, और मीडिया पे जाने के बाद आपको फिर से ये वाली वीडियो को यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके ले आना है, और इस वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ ड्रैग करना है। नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो इसका म्यूज़िक जो है वो बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर जो है वो आपका वीडियो जो है यहाँ पे फ्रेश बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर जो ऑडियो आपका बड़ा हो रहा है उसको आपको कट कर देना है, ऐसे यहाँ पर जो कट का ऑप्शन है उसके बाद आपको यहाँ से डिलीट कर देना है, और आपका वीडियो बन के यहाँ पर रेडी हो चुका है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। बस बहुत ही सिंपल सा दोस्तों, उसके बाद आपको तीर वाले आइकन पे क्लिक करना है, प्रोड्यूस वीडियो करना है, और आपको यहाँ पे फुल एचडी में आपको प्रोड्यूस करना है। और आप टिकटॉक पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि इसको रियल तरीका क्या है, आप कैसे अपलोड करना है आपको टिकटॉक पे।
सो या गाइस, हम लोग आज को अपने मोबाइल स्क्रीन पे, तो आपको फिर से टिकटॉक को अपने ओपन करना है और आपको उस वाले वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिस वाले वीडियो पे जो वो ये सॉन्ग वायरल चल रहा है। तो यहाँ पर आपको जो वो यहाँ पर एक घूमता होगा, तो आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, म्यूजिक वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे यूज़ दिस ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है। यूज़ दिस ऑडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक अपलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली आपको अपलोड वाले ऑप्शन पे चले जाना है और आपका ये रहा वीडियो, आपको यहाँ पर से इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो है वो एक काम करना है, आपको साउंड पे जाना है और आपको यहाँ पे साउंड वॉल्यूम पे जाने के बाद आपको जो है वो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो आपको ओरिजिनल साउंड है इसको आपको बंद कर देना है। उसके बाद जो ये आपका ये वाले साउंड पे हो जाएगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे हैशटैग में क्या लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। हैशटैग में आपको सबसे पहले लगाना है जो कि ये सॉन्ग है फिर से मचाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि आ चुका है फिर से मचाएंगे, 21.7 मिलियन व्यूज़ है। उसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन आ चुका है। उसके बाद आपको एक फॉर यू वाला लगा देना है हैशटैग, टैग में जाना है और आपको यहाँ पे टिकटॉक को टैग करना है ज़रूर से, टिकटॉक इंडिया को, और उसके बाद आपको अपनी वीडियो को पोस्ट कर देना है। सो होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर वीडियो अगर पसंद है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे देखनी है और आपको ये वीडियो कैसे लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। सो गाइस, मैं आपसे मिलता हूँ किसी न्यू एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड बाय।